हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है इंफोसिस ऑफर लेटर अपडेट के बारे में। सो गाइस, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑफर लेटर से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो शेयर कीजिए, तो आज की इस वीडियो में वही मैं आपको अपडेट शेयर करने वाला हूँ। गाइज, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है जिनका इंटरव्यू कम्प्लीट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे है जिन्हें सिलेक्शन मेल आ चुका है, जॉब ऑफर आ चुका है, लेकिन अभी तक के इंफोसिस की तरफ से कोई भी ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिसीव नहीं हुआ है। तो वो कब हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस क्या है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन मेल अगर आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, रिसेंट मंथ में रिसीव हुआ है एंड अभी तक के कोई आगे की प्रोसेस का मेल नहीं आया है जैसे कि ज्वाइनिंग के बारे में, तो वही आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं गाइस, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, एक कैंडिडेट है जिन्होंने इंफोसिस टीम को मैसेज किया था, मेल किया था कि उनका इंटरव्यू राउंड हो चुका है, सिलेक्शन मेल आ चुका है उन्हें, लेकिन अभी तक के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। सो गाइस, उनका आप इंफोसिस का रिप्लाई कर सकते हो। ऑफर अपडेट टीम से गाइस इंफोसिस की तरफ से मैसेज मेल आया है, रिप्लाई आया है, जहां पे आप देख सकते हो, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट वी आर अलोकेटिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेस्ड ऑन अवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, ये बोला गया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उनके इंफोसिस के बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। वी विल सेंड यू अ ज्वाइनिंग कम्युनिकेशन एटलीस्ट 2 to 3 weeks प्रायर टू योर ज्वाइनिंग डेट। तो गाइस, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट होने वाली है उसके बेसिस पे जो है आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएंगी एंड आपकी जो ज्वाइनिंग डेट होने वाली है वो 2 to 3 weeks पहले आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, सो आपको अभी बस पेशेंस रखने के लिए एंड वेट करने के लिए कहा गया है। तो गाइस, अगर आपको याद होगा मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अभी फिलहाल जो है इंफोसिस के पास, इंफोसिस नहीं और भी बहुत सारी कंपनीज है, जो भी आईटी कंपनीज आ जाती है, इंफोसिस, एसेंचर, टॉप एमएनसीज आ जाती है, इंफोसिस, एसेंचर, टीसीएस, उन सभी कंपनीज में फिलहाल यहाँ पर उतनी ज्यादा जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, उसके वजह से जो है ये ज्वाइनिंग जो है थोड़ी सी स्टॉप करके रखी है। ओके, सो ये चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के वजह से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो डिले हो रही है। साथ साथ अगर आपका प्रोजेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या ही काम करने देंगे, इसीलिए जो है आपको अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। जब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है वो हो सकता है कि 1 to 2 months में भी आ जाए या 3 to 4 months भी लग सकते हैं, टोटली डिपेंड है प्रोजेक्ट्स पे। जैसे ही प्रोजेक्ट्स आते हैं, ऑलरेडी कैंडिडेट सिलेक्ट तो हो ही चुके हैं, उन्हें ऑफर लेटर देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे एंड उन्हें ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ये चीज थी गाइज, अगर जब भी गाइज प्रोजेक्ट्स आते हैं आपको तुरंत उसी समय जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएंगी इंफोसिस की तरफ से। एंड गाइज, मुझे रेगुलरली मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मुझे मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, रिसेंट मंथ में जो है ऑफर लेटर मिला है, सिलेक्शन मेल मिला है, तो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब आएगी। तो गाइज, ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं, मैं या कोई दूसरा भी यूट्यूबर या कोई भी एचआर हो या कोई भी इम्प्लॉय हो वो नहीं बता सकता है, उन्हें खुद इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आपका जो ऑफर लेटर है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो कब मिलने वाली है। टोटली इंफोसिस के ऊपर डिपेंड है। इंफोसिस यहाँ क्लियरली मेंशन की गई है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, तो जैसे ही बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है वो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भेज देंगे एंड ज्वाइनिंग से 2-3 weeks पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब है, ताकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। ओके, सो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन मेल मिला है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो हाई चांसेस है कि आपको ऑफर लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो बिजनेस रिक्वायरमेंट पे है कि 1 to 2 months लगते हैं या 3 to 4 months लगते हैं। अभी सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और इसके बारे में नहीं सोचना है। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है आपको उसमें अप्लाई करना है। ओके, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देखने मिल जाती है, उसमें आपको अप्लाई करना है एंड जब भी अगर आपको इंफोसिस का ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग आती है तब आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए इंफोसिस पे, जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कोई भी न्यूज आती है, अपडेट आती है इंफोसिस के रिगार्डिंग, मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।